नमस्कार साथियों, शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत हर विद्यालय में बाउंड्री वॉल का होना आवश्यक है। ऐसा ही एक विद्यालय है जिस पर मैंने वीडियो बनाया था। वीडियो बनाने के बाद समुदाय के साथ मीटिंग की, स्क्रीनिंग की और आवेदन को लिखते हुए समुदाय ने निर्णय लिया कि हम उच्च अधिकारी को ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देने के बाद तब जाकर इस समस्या पर बदलाव ला पाई हूँ। नाम क्या है सर? जी मोहम्मद शरीफ। आप किस पद पे हैं? पहले स्कूल में क्या समस्या थी? पहले स्कूल में समस्या ये थी कि यहाँ पे बाउंड्री नहीं थी, तो बाउंड्री ना होने की वजह से यहाँ स्कूल में गंदगी भी होती थी। लोगों के लोग, गांव के लोग भी यहाँ पे असुविधा पैदा करते थे, गंदगी फेंक देते थे। बच्चों भी, बच्चे भी असुरक्षित थे, पेड़ पौधे असुरक्षित थे। अब बाउंड्री होने से ये है कि पेड़ पौधे भी सुरक्षित हो गए हैं, बच्चे भी जो है बाहर रोड पे टकराने का डर नहीं रहता है। इसलिए कि बच्चे निकल जाते थे रोड पे, तो डर रहता था कहीं कोई दुर्घटना ना हो, तो आज वो भी सुरक्षित हो गए हैं और विद्यालय भी कंस्ट्रक्शन होने लगा। तो वीडियो आपने जैसे भी अपने विभाग को या जिस तरह से भी सपोर्ट किया, आपका हमारे ग्राम प्रधान या हमारे सेक्रेटरी मंडल द्वारा भी इसमें सहयोग किया है, जिससे हमने ब्लॉक के द्वारा मंजूरी किया। आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं इस समय? हमारे स्कूल में 137 बच्चे नामांकित हैं। ये बाउंड्री बनने से आपको क्या फायदा हुआ? ये बाउंड्री बनने से आपको क्या फायदा हुआ? हम लोग को बहुत सारे हुआ। बकरी, गाय, भैंस सब लोग इधर गोबर जाती थी और लड़के जो कचरा फैलाते थे वो हमें बहुत फायदा हुआ। और क्या, सब लोग हमें बाहर जाने से मना है, गाड़ियाँ चलती हैं, तो इसलिए सब कुछ हमें सब लोग अच्छे से रहते हैं। ये बाउंड्री बनने से आपको क्या फायदा हुआ? बकरी बंद हो गई, क्यों बंद कर रहे हैं? यदि समुदाय का सहयोग और अधिकारियों की अच्छी पहल हो तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं सीमा देवी, जनपद जालौन, राज्य उत्तर प्रदेश से, इंडिया अर्ड के लिए।